हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब वाला हुआ एंड मैंने इससे पहले आप लोग को ऑनर मैजिक बुक एक्सपोर्टिंग के बारे में बताई थी सारी बातें कि ये लैपटॉप मैंने परचेज किया, आप लोग भी परचेज को, लेकिन आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था लगातार बार बार कि यही कमेंट आ रहा था कि भाई ये लैपटॉप का सर्विस सेंटर सही नहीं है, इसका सर्विस सेंटर कहीं है नहीं, इसमें ये दिक्कत होगा, जो कहता है वो नहीं देगा, स्लिम नहीं होगा। तो आज अरुण प्रभु देसाई जो कि ट्रैक एंड टेक के ऑनर है, उन्होंने टॉप 5 लैपटॉप में से एक नंबर पर रखा ऑनर मैजिक बुक X14 को। एंड क्यों रखा, डिस्प्ले क्वालिटी, उसका प्रोसेसर, सारा कुछ बताया कि बहुत ही अच्छा है एंड परफॉर्मेंस में भी कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कोई भी इंट्रो नहीं दूंगा एंड डायरेक्ट मैं उनके वीडियो के पास आपको ले चलता हूं। तो चलो मैं उनके वीडियो पहले आपको दिखाता हूं कि उन्होंने क्या बताया। ये डेस्कटॉप पे उनका वीडियो आ गया, अब मैं आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या बताया। पहले ये देखो X2 प्लस जो है नंबर 2 पे। अगर आपको एक पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, 14 इंच वाला छोटे स्क्रीन का चाहिए, बहुत ज्यादा आप दिन भर काम करते हो तो आंखों को आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ लैपटॉप चाहिए और 40,000 चाहिए, तो हमारा जो नंबर 1 का लैपटॉप है वो आपसे देखना चाहिए। हम भी इसे बाय करते हैं, ऑनर मैजिक सारी बातें आपको बताता हूँ। 8 KG है, सिर्फ विंडोज 11 होम है एंड इसकी जो बैटरी लाइफ है 9 घंटे की है, तो बैटरी के मामले में ये बहुत अच्छा है। प्राइस 42,990, इफेक्टिव प्राइस 38,000 हो जाती है, उस हिसाब से ब्यूटीफुल एक्सेलेंट लैपटॉप। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी, इनफैक्ट ये सैमसंग है बट जनरली जो सभी लैपटॉप 80% लैपटॉप हमारे ऑफिस में सब यही है ऑनर मैजिक। बताया ना, मैंने भी बताया हमारे पास भी दो ऑनर मैजिक बुक X14 और X15 है, दोनों ही लैपटॉप। तो मुझे लग रहा है ऑनर मैजिक बुक परचेज करना चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वही वाला परचेज करना, अमेजॉन चॉइस वाला, वो बहुत ही अच्छा होगा एंड बजट में सबसे बेस्ट अभी है मेरे अकॉर्डिंग। और आगे देखो जो भी लैपटॉप मैंने बताए हुए सभी के लिंक्स मैंने दिए हुए, इनफैक्ट हमने एक भी बस यही वीडियो था ऑनर मैजिक बुक के बारे में। इन्होंने भी बताया कि i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर है प्लस उसमें विंडोज 11 हमें देखने को मिलता है एंड बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि इन्होंने नहीं बताया, जैसे गेस्चर कंट्रोल्स हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड का बैकलाइट हो गया, जो कि आम लैपटॉप 40 के गैरेज में मुझे नहीं देखने को मिला, प्लस फिंगरप्रिंट हो गया एंड पॉपअप कैमरा हो गया जो कि नीचे के साइड में है। तो ये सारी बातें जो कि मैं आपको बता दूँ, यही सारी बातें के लिए ये लैपटॉप आपको परचेज करना चाहिए एंड कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप परचेज करते हो। तो अगर बाय द वे आप बोल रहे हो सर्विस सेंटर के बारे में कि अगर बाय द वे मैंने परचेज कर लिया, तो मैंने एक वीडियो बना रखा सर्विस सेंटर के बारे में कि उनका ये कहना है कि जब तक वारंटी रहेगा तो आपका फ्री होम डिलीवरी होगा, मतलब मैं पिकअप कर लूँगा एंड घर पर वापस पहुँचा दूँगा। अगर वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो क्या होगा, कुछ चार्जेस लेंगे लेकिन फिर भी वो पिकअप कर लेगा आपके होम से एंड रिपेयर करके आपके होम पे ही पहुंचा देगा। ये सारी बातें थी। तो वीडियो बहुत ही छोटा लेकिन उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बहुत ही फास्ट वीडियो में बनाया हूँ, तो अगर कोई भी दिक्कत होगा, कहीं पे कोई गलती होगा, तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस एंड चीयरफुल डे।